राजधानी रेडियो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी रेडियो। विदिशा, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक को 20 बार चाकुओं से गोदकर और गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। विदिशा पुलिस ने एक दिन पहले सुआखेड़ी गांव में खदान पर एक व्यक्ति की लाश बरामद की थी, जिसकी हत्या कर वहां फेंका गया था। 24 घंटे के दौरान ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के जरिए आरोपियों के बारे में एएसपी संजय साहू ने बताया कि पैसों के लेन देन में यह हत्या हुई है। वहीं मृतक की पत्नी से एक आरोपी के एक तरफा प्रेम की बात भी पुलिस ने कही है। उन्होंने बताया कि बुधवार की देर रात मृतक दिलीप उपाध्याय आरोपी विनय शर्मा के साथ शराब पार्टी में शामिल हुआ। इसमें विनय के तीन अन्य दोस्त संदीप कुशवा, मयंक पंथी और रचित नामक युवक भी शामिल थे। बुधवार देर रात 9 बजे के लगभग सभी सांची की ओर गए। वहां शराब पार्टी हुई, उसके बाद लौटते वक्त बीच रास्ते पर किसी स्थान पर चार पहिया वाहन में ही दिलीप उपाध्याय की हत्या कर दी गई। हत्या करने में चाकू और कट्टे का भी इस्तेमाल किया गया। दाहिनी और छाती में चाकू के 15 से ज्यादा वार है। इसके अलावा पीठ और सिर में भी गहरे घाव हैं। हत्या के पीछे की वजह बताते हुए एएसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी से पूछताछ के बाद ही विनय का नाम सामने आया था। उसी के आधार पर विनय का नंबर ट्रेस किया गया, जिसमें वह पचमढ़ी में होना पाया गया। पचमढ़ी पुलिस की मदद से उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 2 चाकू, 1 कट्टा और मृतक के 3,90,000 रुपये भी बरामद किए गए। लगभग 20 के आसपास मौके से मैं छाती में राइट साइड में जांग में और प्रथम दृष्टया लग रहा था कि किसी ने हत्या करके बॉडी को वहाँ पर ला करके बैठा है, क्योंकि बॉडी कहीं और से ला करके डाली गई थी। इस तरीके से वहाँ घटनास्थल देखने के सामने तत्काल इस पर चूंकि मृतक अज्ञात था, प्यारे अज्ञात थे, इस पर एसपी साहब के द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम के अपना काम प्रारंभ किया। इसके आधार पर जब सब लोगों से चर्चा की गई, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मृतक के परिजन को डाला गया, तो उसकी शिनाख्त दिलीप उपाध्याय निवासी दिशा के रूप में हुई, जो लगभग 2 साल से यहाँ आकर के रह रहा था। इसके पहले बलिया का और जब इंफॉर्मेशन ली गई तो ये मालूम पड़ा कि विनय शर्मा इसमें हमारा एक आरोपी है और मुख्य मास्टर माइंड है, उसके साथ में आरोपी को सुराग में देखा गया था। जब इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई और ये आरोपी यहाँ से भाग करके पहले चले गए, हमारी टीम जो हमने वहाँ भेजा, वहाँ होटल में रुके हुए थे, टीम ने हमें किया है और इन्फॉर्मेशन दिया गया। इनसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त हुई है, क्या हमें प्रयोग किए गए चाकू और कट्टा और जो कैश कुछ पैसा है ये मृतक से ऊपर मिले। कितना कैश था पैसा? लगभग ये 3,90,000 से ऊपर पैसा है लगभग, ये पैसा जो है जब्त किया गया। इसके आधार पर अभी इसमें 300-201 की पंजीकरण किया गया, इसमें की ठीक है सर। कुछ महिला सभी संबंधित इसमें इनका आपस का पैसे का लेन देन था और इसी बात को लेकर के हत्या हुई। इसमें जो आरोपी हैं वो मृतक की पत्नी के एक तरफा, उसमें उसने जो पूछताछ में बताया है कि एक तरफा उसे चाहने लगा, इस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में फसल हुई, इसी बात पर। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो।